हाय फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल फूड ड्रामा। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक स्विस रोल की रेसिपी। यूजुअली जो मार्केट में स्विस रोल मिलते हैं उसमें ब्रेड की लेयर मोटी होती है और क्रीम की लेयर बहुत पतली, पर हम बनाने वाले हैं जैपनीज सुकरा स्विस रोल, जिसमें अदर वे अराउंड होता है, जिसमें ब्रेड की एक पतली सी लेयर होती है और उसमें क्रीम की एक मोटी सी लेयर, जिसकी वजह से ये बहुत ही सॉफ्ट और माउथ में मेल्ट होने वाला बनता है। और इसकी रेसिपी बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी है, तो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। अब सबसे पहले हम बना लेते हैं स्विस रोल की फिलिंग, जो बनेगी योगर्ट और व्हिपिंग क्रीम से। तो सबसे पहले हम लेंगे व्हिपिंग क्रीम, हमने ली है 200 ग्राम। इसमें ऐड करेंगे हम 40 ग्राम योगर्ट। अब इसमें हम ऐड करेंगे 20 ग्राम के करीब शुगर। अब हम इसे अच्छी तरीके से बीट कर लेंगे और इसे पीक फॉर्म में क्रिएट कर लेंगे। अब हमने फिलिंग क्रीम को छोटे बाउल में ट्रांसफर कर लिया है। अब इसे हम ढक के फ्रिज में रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। अब दूसरे स्टेप में हम बनाएंगे शिफॉन सीट, जिसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे एग वाइट से मेरेंग। सबसे पहले एग्स को सेपरेट कर लेंगे, एग वाइट और एग योक को। अब सबसे पहले हम इसे कर लेंगे बीट। अब इसमें हमें 20 ग्राम चीनी ऐड करनी है, जिसे हम दो पार्ट में डिवाइड करके करेंगे, 10 ग्राम एक बार और 10 ग्राम दूसरी बार। देखिए अब मेरेंग हो चुकी है रेडी। अब हम एग योक को बीट कर लेंगे, जिसके लिए हमने लिया एक बाउल, जिसमें हम डालेंगे 2 एग का एग योक और इसमें ऐड करेंगे 15 ग्राम शुगर। अब इसे कर लेंगे हम बीट। अब इसमें डालेगा ऑयल, जो हमने 20 ml ऑयल लिया है, उसे हम धीरे धीरे बीट करते हुए इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 5 ml के करीब वाटर। देखिए येलो पील कलर इसका हो गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 35 ग्राम फ्लावर, इसे हम छान के करेंगे ताकि इसमें कोई भी गांठे ना हो, क्योंकि हमें एक स्मूथ शीट चाहिए, तो इसके लिए इसको छानना बहुत जरूरी है। अब हम इसे लो स्पीड में इसे मिक्स कर लेंगे इसमें। फ्लावर को हमने एग योक और ऑयल में मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें मेरेंग ऐड करेंगे और 3 batches में हम ऐड करेंगे और कट एंड फोल्ड के मेथड में करेंगे। फर्स्ट बैच को हम इसे रफली मिक्स करेंगे ताकि हमारा जो ये बैटर है एग योक और फ्लावर वाला, वो स्मूथ हो जाए।
देखिए अब ये थोड़ा स्मूथ हो चुका है, अब इसमें ऐड करेंगे मेरेंग और फोल्ड करेंगे कट एंड फोल्ड वाले में। अब शेफोन शीट का बैटर रेडी है, अब हम एक लेंगे बेकिंग ट्रे और उसमें इसे स्प्रेड करेंगे। अब हमने एक बेकिंग ट्रे में पार्चमेंट पेपर लगा लिया है, अब इसमें हम ट्रांसफर करेंगे ये बैटर और इसे स्प्रेड करेंगे। तो हमें इसे बहुत पतला सा स्प्रेड करना है क्योंकि हमें बहुत पतली सी शीट चाहिए। अब ये जाएगा ओवन में 180 डिग्री पर 7 से 8 मिनट के लिए। अब हम बनाएंगे स्प्रेड। अब स्प्रेड बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है 1 स्पून ब्लूबेरी जैम और इसी के साथ हम लेंगे 1 टेबल स्पून रू अफ़ज़ा। अब हम इन दोनों को मिक्स करके एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। अब ये हमारा स्प्रेड रेडी हो चुका है। अब शेफोन शीट तैयार हो चुकी है और इसे हमने 2 मिनट के लिए कूल डाउन भी कर लिया था और अब हम इसे पार्चमेंट पेपर से अलग करेंगे। तो ये हमें बहुत ध्यान से करना है क्योंकि ये थोड़ी थोड़ी चिपक जाती है। अब हम इसे एक बोर्ड में ट्रांसफर कर लेते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम इसके किनारों को हटा देंगे। अब इसके करेंगे हम 2 इक्वल पार्ट्स। अब हम एक पार्ट शीट का लेंगे और उसमें स्प्रेड करेंगे ये हमारा जैम। अब इसके ऊपर हम दूसरी शीट को रख लेंगे। अब इसके ऊपर ट्रांसफर करेंगे हम फिलिंग क्रीम जो हमने फ्रिज में रख दी थी 10 मिनट के लिए। अब वो परफेक्ट हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर रखेंगे एक साइड इस तरीके से, इसे हम थोड़ा सा इस तरीके से इसे फैला देंगे एक तरफ से और हम इसे फोल्ड करेंगे। अब हम इसकी साइड को काट देंगे। अब हम इसे क्लिंग रैप पे फोल्ड करके फ्रिज में रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए कूल डाउन होने के लिए। अब हमारा स्विस रोल कूल डाउन हो चुका है। अब इसके ऊपर थोड़ी सी करेंगे हम आइसिंग शुगर से डेकोर। अब देखिए इसमें आपको तीनों कंपोनेंट इनकॉर्पोरेट करके अच्छे से देख रहे हैं, जैसे ये है शीट, ब्लूबेरी जैम और ये हमारी फिलिंग। अब हमारा स्विस रोल रेडी है। एंजॉय।